रंगों के त्योहार होली को लेकर रेलवे ने कसी कमर, बंद ट्रेनों को किया शुरू, साथ ही कई ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई। एक बार आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। रंगों के पर्व होली को लेकर भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। हर व्यक्ति रंगों के पर्व को अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है, इसलिए रेलवे के त्योहारों के दिनों में आरक्षण को लेकर आपाधापी देखने को मिलती है। आगरा मंडल में सर्दियों में बंद की गई कई ट्रेनों को होली के मद्देनजर शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आगरा फोर्ट, लखनऊ इंटरसिटी, मथुरा हावड़ा, आगरा छावनी, कोलकाता एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, बाड़मेर मथुरा बाड़मेर मुख्य रूप से शामिल है। इसके साथ ही कई ट्रेनों में कोचों को भी संख्या बढ़ा दी गई है। आगरा मंडल की पीआरओ प्रसति श्रीवास्तव का कहना है कि होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान ट्रेनों के साथ साथ सर्कुलेटिंग एरिया में भी आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेगी। भारत का बड़े त्यौहार में से एक होली पर्व है और इसमें रेलवे की एक बड़ी जिम्मेदारी जाती है लोगों तक समय से गंतव्य तक पहुंचाने की। तो किस तरीके का रहेगा रेलवे का कार्यक्रम? होली की तैयारी को देखते हुए रेलवे ने कई बिंदुओं पे अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। स्टेशन्स पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी को लगाना, टिकट चेकिंग स्टाफ को लगाना, मथुरा में जैसे मेला होता है तो वहाँ के लिए अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियाँ खोलना, इन सब की व्यवस्था हमने कर दी है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से जो ट्रेनें बंद थी उनको भी होली को देखते हुए पुनः स्टार्ट कर दिया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं लखनऊ आगरा फोर्ट इंटरसिटी, आगरा से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन और मथुरा हावड़ा ट्रेन जो है, इनको दोबारा से आने वाले दिनों में शुरू कर दिया जा रहा है। अब देखिए माता के जिसमें त्यौहार होते हैं भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, सुरक्षा व्यवस्था पर होती है, चोरी चकारी ना हो इसके लिए भी ट्रेनों के अंदर चेकिंग वगैरह होगी? बिल्कुल, टिकट चेकिंग के हमने जो एसटीएफ हैं, स्पेशल टास्क फोर्स हैं, दो ऐसी टास्क फोर्स भी बना दी हैं जो ट्रेन में घूम के चेकिंग करेंगे और साथ ही आरपीएफ और जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेट करके भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।